हे वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन इलेक्ट्रो स्किल्स इंजीनियरिंग। और आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों को बिट लॉजिक ऑपरेशन में जो सेट रीसेट होता है और रीसेट सेट का जो ब्लॉक होता है वो बताने जा रहा हूँ। तो इस सीरीज़ में मैंने और भी वीडियोस बना रखी है, अगर आप लोगों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल में जाकर विजिट करें और उन वीडियोज़ को देखें। मैंने सीमेंस की TIA पोर्टल पर स्पेसिफिकली जो है 7-1200 पर वीडियो की सीरीज़ बना रखी है। ओके तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखें मैं गया हूँ कहाँ पर, शुरू से बताता हूँ आपको बेसिक इंस्ट्रक्शंस के भाई। ये है हमारे पास बिट लॉजिक ऑपरेशंस हैं। बिट लॉजिक में ये कुछ ऑपरेशंस हैं, ये मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें इसके बारे में बताऊँगा। बट फॉर द टाइम बीइंग मैं अभी आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ सेट रीसेट और जो है रीसेट सेट। देखो सेट रीसेट एक फ़्लिप फ्लॉप है और रीसेट सेट भी फ्लिप फ्लॉप है। सेट रीसेट में क्या होता है, आपके पास जो रीसेट होती है उसकी जो कमांड होती है वो डोमिनेंट करती है, मतलब उसको प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। और रीसेट सेट वाला यानी RS वाला जो है इसमें हम सेट को प्रेफरेंस देते हैं, सेट डोमिनेंट करता है। डोमिनेंट कैसे करता है, डोमिनेंट ऐसे करता है कि भाई जब आपके पास सेट और रीसेट दोनों की कमांड होगी तो आपका सेट ऑन होगा। देखो सेट का मतलब है किसी आउटपुट को ऑन करा देना, रीसेट का मतलब है उसी आउटपुट को ऑफ करा देना। तो सबसे पहले हम SR देखते हैं, ठीक है। SR का ब्लॉक हम लेकर आते हैं यहाँ पर और SR पे हम यहाँ पर सबसे पहले सेट के लिए एक पुश बटन लगाते हैं और रीसेट के लिए भी एक पुश बटन लगाते हैं। एंड दैट वे कैसे, यहाँ पर एक पुश बटन लगा दिया और इसको जो है मेमोरी है तो मेमोरी के लिए M0.0 मैं इसको एड्रेस दे देता हूँ, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ दिस इज़ माय सेट वन और यहाँ पे जो है इसको M0.1 कह देता हूँ मैं यहाँ पर इसको। और ऊपर जो है ना, देखो घबराना नहीं है, ऊपर क्या है यहाँ पे एड्रेस आउटपुट का देना है, यहाँ पे आप आउटपुट की कॉइल नहीं लगाओगे, ठीक है। ये एज जो दे रहा है इट मींस कि आपने आउटपुट यहाँ लगा देना है, आपने आउटपुट का एड्रेस यहाँ देना, तो जो भी आउटपुट हार्डवेयर पे होगा वही ऑन होगा जो ऊपर आप एड्रेस दोगे। सो लेट सपोज मैं यहाँ पर देता हूँ 20.1, ठीक है। तो ये मेरे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। आप यहाँ पर इसको टैग दे दो, अब हम एक एक करके टैग दे देते हैं। इसको हम रीनेम करते हैं, इसको हम कहते हैं सेट, ठीक है। सेट का मतलब ऑन होता है तो मैं साथ ऑन भी लिख रहा हूँ, ठीक है। और एक एक चीज़ बड़ी डिटेल में और बहुत आसान करके बतानी है मैंने, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना। और ये क्या है रीसेट का है तो मैं इसको रीसेट के लिए लगाता हूँ और साथ क्या है ऑफ़ कहते हैं, रीसेट को ऑफ कर देना किसी चीज़ को रीसेट, ठीक है। सेट रीसेट हो गया। तो फ्लिप फ्लॉप है, फ्लिप ऑन फ्लॉप ऑफ, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप इस तरीके से करना। अच्छा अब क्या है आपके पास, आपने आउटपुट यहाँ पर टैग दिया तो आउटपुट को भी भाई आप कह दो कि ये आपकी जो है रिले है, ठीक है। आप इसको रिले कह सकते हो, ठीक है। रिले आउटपुट कह दो, ठीक है। अभी मैंने कौन सा ब्लॉक यूज़ किया है, SR ब्लॉक यूज़ किया है, ठीक है। इसमें क्या है सेट रीसेट ब्लॉक है। मैं आपको RS भी करके दिखाऊंगा, डिफरेंस बताऊंगा इन दोनों में, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, अब यहाँ पर क्या है इसको हम कंपाइल कर लेते हैं। तो हमने कंपाइल कर लिया है, PLC सिम यूज़ करते हैं, सिमुलेटर ओके एंड देन वी विल हैव वर्चुअल PLC, हमें वर्चुअल PLC मिल जाएगा। मैं ये सारी चीज़ें हार्डवेयर पे भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो ये वर्चुअल PLC हमारे पास आ गई है एंड इट इज़ गेटिंग टर्न ऑन और ये टर्न ऑन हो गया है। सो नाउ इट्स टाइम टू डाउनलोड द प्रोग्राम विच वी हैव मेड एंड इट शुड बी डाउनलोडेड इन टू द वर्चुअल PLC, ठीक है। कंपाइल हो रहा है हमारे पास, सो कंपाइलेशन इज इन प्रोग्रेस एंड इट्स डन। नाउ वी आर डाउनलोडिंग द प्रोग्राम एंड वी नीड टू फिनिश दिस वंस इट कम। ओके दैट्स इट, दैट्स परफेक्ट। सो अब हमें क्या करना है, मॉनिटरिंग ऑन ऑफ ऑन कर लेना है और मैं इसको नीचे कर देता हूँ, रन कर देते हैं इसको, ठीक है। हमारे पास मॉनिटरिंग ऑन ऑफ ऑन हो गया है। अब देखो क्या करना है, SR है, SR में सबसे पहले मैं सेट करता हूँ अपने आउटपुट को, मॉडिफाई करता हूँ वन पे, आउटपुट ऑन हो गया मेरे पास, ठीक है। अब क्या होगा, आउटपुट मेरे पास ऑन है, मैं इसको रिलीज भी कर देता हूँ ऑफ, तो क्या है आउटपुट ऑन है। अब मुझे आउटपुट को ऑफ करने के लिए क्या करना है, रीसेट को ऑन करना है। रीसेट ऑन करूँगा तो आउटपुट ऑफ हो गया। लेकिन अब क्या, अगर रीसेट पे कमांड जा रही है और मैं सेट ऑन भी कर दूं यानी सेट पे भी कमांड दे दूं तो आउटपुट ने ऑन होना है या ऑफ होना है ये अभी पता चल जाएगा। देखो मैं मॉडिफाई करता हूं, उसको वन कर देता हूं, आउटपुट रिमेंस ऑफ।
इसका मतलब है कि जो मैं बता रहा था कि सेट और रीसेट में जब तुम दोनों को कमांड दे दोगे एक साथ तो क्या होगा, डोमिनेंट क्या करेगा यहाँ पे, रीसेट करेगा डोमिनेंट, ठीक है। द डोमिनेटिंग पावर विल गो टूवर्ड्स द रीसेट, ठीक है। यानी एक साथ दोनों ऑन हो जाएं, सेट भी और रीसेट भी, यानी इस ब्लॉक में सेट पे भी कमांड जाए और रीसेट पे भी कमांड जाए, तो किसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, रीसेट को दिया जाएगा, ठीक है, जो लास्ट में होता है उसको, क्योंकि देखो रीसेट हुआ है ना, ऑफ हुआ है, ऑन नहीं हुआ हुआ। चलो ठीक है, सेकंड एग्जांपल भी हम देख लेते हैं इसमें, इसको मैं ऑफलाइन ले लेता हूँ। एंड नाउ इट्स टाइम टू टेक द अनदर ब्लॉक विच इज़ हियर। हम नेटवर्क 2 बनाते हैं, इंस्ट्रक्शन में जाते हैं और RS को ले देते हैं। RS यहाँ पर आ गया, ठीक है। मैं इसमें आउटपुट ले लेता हूँ क्यू 0.3, दैट्स परफेक्ट, ओके। एंड यहाँ पे एक सेट का बटन ले लेते हैं और एक रीसेट का और एक सेट का ले लेते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और मैं यहाँ पर इसको कह देता हूँ एम 0.3 एंड दिस कुड बी माई एम 0.4, ये एम 0.4 हो गया भाई, ठीक है बच्चों। अब क्या है, मैं यहाँ पे इसको टैग दे देता हूँ, ये रीसेट का है तो मैं इसको थोड़ा, क्योंकि मैं रीसेट पहले टैग दे चुका हूँ, तो मैं इसको रीसेट 2 लिख रहा हूँ, ठीक है, रीसेट नंबर 2, और रीसेट का मतलब ऑफ होता है, तो रीसेट 2 ऑफ। और इसको दे देता हूँ मैं टैग सेट 2 ऑन, क्योंकि सेट का मतलब ऑन होता है। और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं दिस कुड बी माई रिले नंबर 2 आउटपुट, ओके दैट्स परफेक्ट, ठीक है। ये मेरे पास क्या हो गया, मैंने दो प्रोग्राम बना लिए। मैं इसको थोड़ा सा मिनिम जो है जूम आउट कर लेता हूँ, इन दैट वे थोड़ा सा और कर लेता हूँ, ठीक है। देखो अब क्या है, इसको हम कंपाइल करते हैं और इसको डाउनलोड टू द PLC कर लेते हैं, और इसको ऑनलाइन ले लेते हैं। अब देखो ऊपर वाला तो तुम्हें समझ आ गया था कि भाई जब दोनों ऑन होंगे तो मेरे पास आउटपुट ऑफ होगा। अब मैं अगर मैं यहाँ से रीसेट को ऑफ भी करता हूँ तो अब मेरे पास आउटपुट ना ऑन हो जाना है, ठीक है। देखो आउटपुट ऑन हो गया, लेकिन जब दोनों कमांड एक साथ आ रही थी पहले वाले में तो क्या हो रहा था, ये रीसेट को प्रेफरेंस दे रहा था, ठीक है। लेकिन अब इसमें क्या होगा, जो हमारा दूसरा वाला है ब्लॉक जिसको हमने क्या कहना है, रीसेट सेट, तो इसमें ये सेट को प्रेफरेंस देगा, सेट डोमिनेट करेगा। डोमिनेट कैसे करेगा, डोमिनेटिंग पावर विल गो टूवर्ड्स द सेट। यानी कि अब देखो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। मैंने कहा भाई ये सेट हो जाओ, ये सेट हो गया, देखो सेट हुआ तो क्या हुआ, आउटपुट ऑन हो गया। अब मैं अगर रीसेट को भी कमांड दे देता हूँ तो क्या होता है, ये ऑन है। ऊपर वाली कंडीशन में भी दोनों सेट भी ऑन है, रीसेट भी ऑन है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी गई है, रीसेट को, क्यों, क्योंकि ऑफ है दोनों। इस अब जो रीसेट सेट वाला ब्लॉक है उसमें भी देखो रीसेट भी ऑन है, सेट भी ऑन है, लेकिन प्रेफरेंस किसको दी गई है, सेट को दी गई है। सो what I'm trying to make you clear guys कि आपको इन दो ब्लॉक्स पे कब किस ब्लॉक को यूज करना है आपको पता होना चाहिए। दे बोथ आर नॉट एट ऑल सिमिलर, ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है, डिफरेंटली एक्ट करते हैं ऑटोमेशन में, प्रोग्रामिंग में। आगे की जो इंस्ट्रक्शंस हैं बारी बारी में सारी चीज़ों को बताता जाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, कमेंट करो, ठीक है, थैंक यू।